सुकरात यूनान के एक जाने माने दार्शनिक थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक लोगों में मशहूर थे। एक बार हताशा से पूरी तरह से भरपूर एक लड़का सुकरात के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि सफल होने के लिए हमें कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है? ये सुनकर सुकरात थोड़ा मुस्कुराए और उस लड़के को अगले ही दिन पास ही की नदी के पास आने को कहा और आश्वस्त भी किया कि कल उस लड़के को उसके प्रश्न का सही सही उत्तर भी मिल जाएगा। अगले दिन वो हताश लड़का सुकरात द्वारा बताए हुए समय पर नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात उस हताश लड़के को लेकर नदी के ठीक बीचों बीच पहुंच गए। अधिक गहराई वाली जगह पर पहुंचते ही वे उस हताश लड़के के साथ रुक गए और एकदम से उस लड़के के सर को दबाकर पानी में दबाव के साथ डुबोने लगे। सुकरात ने उस लड़के का सर पानी के अंदर तब तक दबाकर रखा जब तक कि वो छटपटाने ना लगे। अब स्थितियां ये थी कि उस हताश लड़के का शरीर सांस नहीं ले पाने के कारण नीला पड़ने लगा था। फिर सुकरात ने एकदम से उसे पानी से बाहर निकाल लिया और उसे किनारे पर ले आए और पूछा, जब तुम्हारा सर पानी के अंदर था तो तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी? पहले तो लड़का सुकरात पर काफी आग बबूला हुआ, फिर बोला, जब आपने मेरा सर पानी के अंदर दबा कर रखा था उस वक्त मेरी सबसे पहली जरूरत थी कि मैं पानी से बाहर निकलकर दोबारा सांस ले सकूं। तब सुकरात ने कहा, पानी के अंदर तुम्हें जितनी तड़प और छटपटाहट हो रही थी उतनी ही तड़प और छटपटाहट तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी होनी चाहिए, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। अब वो लड़का इस पूरे घटनाक्रम के उद्देश्य को समझ चुका था। फिर सफलता के इस रहस्य को जानकर वो लड़का सुकरात का आभार प्रकट करता हुआ अपने घर को वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। ये शॉर्ट स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।